सड़क किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है विकास के अंधी दौड़ में हमने हरे वृक्षों के जंगलों को काट करके जो इमारतों का जंगल पूरी दुनिया में खड़ा किया, वह ग्लोबल टेम्परेचर, ओजोन लेयर में छेद जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहा है। राष्ट्रकवि की पंक्तियां बहुत ही सार्थक हैं। एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। पूरी मानवता वृक्षों के अभाव का अभिशाप अपनी करनी से महसूस कर रहा है। इस अभाव को दूर करने का एक ही रास्ता है कि जैसे इस धरती पर एक तिहाई भूभाग और दो तिहाई जल है, उसी तरह से भूभाग पर एक तिहाई वृक्ष निश्चित रूप से होने चाहिए। और वृक्ष हमारे प्राणदाता हैं, वे ऑक्सीजन देते हैं। और पूरी दुनिया ने तय किया है कि हम अभियान चला करके धरती को हरे भरे पेड़ों से छाएंगे। ये पेड़ हमारे लिए कैसे वरदान हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, जिससे हमारा कृषि कार्य और दूसरे काम बहुत अच्छी तरह होते हैं। साथ ही हमें अन्न, फल, फूल से भी भर देते हैं, जिससे पूरी मानवता जीवित रहती है। मैं आज के इस विशेष मौके पर सभी भारतवासियों से यह अपील करता हूँ कि धरती के एक तिहाई भाग को हरा भरा करने के लिए आप कोई कोर कसर बाकी न छोड़ें। तमाम प्राकृतिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। इसी के साथ आप लोगों का आह्वान और बहुत सारा अभिवादन करते हुए सबको प्रणाम।